इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसमें एक छोटी सी नाव में दर्जनों लोग सवार हैं। क्षमता से ज्यादा लोड होने के कारण ये नाव डूब गई। डूबते नाव का ये वीडियो आप देख सकते हैं। दर्जनों से ज्यादा सवार लोग पानी में खुद को बचाने में लगे हैं। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ और सभी लोग बाल बाल बच गए, क्योंकि नाव पानी में तब डगमगाई जब किनारा बहुत नजदीक था। तस्वीर कटिहार की है। लोग नाव के सहारे केलाबाड़ी गांव से नंदनपुर घाट पहुंच रहे थे। इस क्षेत्र में बाढ़ के समय में गंगा, कोसी, बरंडी और महानंदा नदी का पानी उफान पर होता है, लिहाजा नाव ही एक सहारा होता है। लेकिन ऐसी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। शुक्र है कि बाल बाल बच गए। सवाल है, प्रशासन और व्यवस्था ऐसी लापरवाही होने कैसे देती है? क्या नाव की कमी है? क्या व्यवस्था जो है वो आंखें मूंद कर बैठी रहती है और किसी घटना होने पर ही जागती है? सचेत रहिए और ऐसी घटना का शिकार ना बनिए। दूसरी तस्वीर सीतामढ़ी की है, जहां गांव वालों ने एक मिसाल पेश की है। ये जो पुल आप बनते हुए देख रहे हैं, इसे गांव वालों ने खुद ही चंदा इकट्ठा करके बनवाया है, ताकि वो बाढ़ से बच सके। लेकिन इस पुल को बनने से पहले की कहानी ये है कि ये लोग लगभग 35 साल से अधिकारी से लेकर हर जगह इस पुल को बनाने के लिए फरियाद कर रहे थे, लेकिन कुछ संभव नहीं हुआ। अंत में इन गांव वालों ने खुद ही पुल बनाने की ठान ली और ये देखिए, पुल आपके सामने है। आप लोग देखते होंगे कि जब भी यहाँ बाढ़ आती है तो हम लोग पूरा डूब के यहाँ से, पिछले 2017 में तत्कालीन डीएम रंजीत कुमार ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि काम हम लोग पुल बहुत जल्द निर्माण कराएंगे, लेकिन ना तो प्रशासन सुन रही है, ना हमारे विधायक, ना डीएम, ना एसपी, ना एमपी। कई जगह हम लोग काफ़ी प्रयास किए, कई जगह हम लोगों ने आवेदन दिया, डीडीओ से लेकर डीएम तक, एमपी से लेकर विधायक तक, माननीय विधायक रंजू की तक, कि हम लोग काफ़ी प्रयास किए, कई बार गए हैं। उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया कि पुल का टेंडर हो गया, कभी कभी कुछ हो गया, लेकिन धरातल पर कोई काम होता हुआ दिख नहीं रहा। साहब, आज भी जब गांव को पुल मांगना पड़ रहा है और इतनी बार मांग करने पर भी तालम टोल हो रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कटिहार से विपुल राहुल और सीतामढ़ी से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।